नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की रणनगर पुलिस ने एक ऐसे नशा तस्कर को पकड़ा है जो जल्दी अमीर बनने के लिए नशा तस्कर बन गया था। वो अपनी पहचान छुपा कर रहता था। ही नगर पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम अभिषेक यादव, निवासी बाणगंगा है। उसके पास से 1 किलो 73 ग्राम गांजा और गाड़ी जब्त की। कल उसे हीरानगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अमीर बनने के लिए वो नशा तस्करी करता था। हाँ, हीरानगर थाना क्षेत्र में कल दिनांक को नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें से अब एनडीपीएस की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा नशे का सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें से 8/27 एनडीपीएस की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बताया जा रहा है कि बदमाश को जल्दी अमीर बनने के सपने दिख रहा था, जिसके चलते हुआ ड्रग्स और इस प्रकार नहीं, देखने में यही आया हुआ है कि जो आरोपी है वो शुरू से ही गलत संगत में था, हमाली का काम करता था और फिर धीरे से ऐसे लोगों के संपर्क में आया कि खुद भी गांजे का सेवन करता था और खुद के पीने के लिए पैसे की फिराक के चक्कर में वह पुड़ियाँ भी बेचने लगा था। अभी तक की जानकारी में यही आया हुआ है और जहाँ जहाँ से जिस स्रोत से वो प्राप्त करता था वो भी हमारे सर्विलेंस में, जल्दी और भी बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब